नमस्कार, मैं हूं सत्यम। स्वागत करता हूं आप सभी का मोस्ट एनआईसीटी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का काम क्या होता है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने इनपुट डिवाइस के रूप में इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा किया था और उस इनपुट डिवाइस में मैंने आपको बताया था कि माउस क्या होता है। पिछली वीडियो हमारी माउस पे चली थी, आज मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड क्या होता है। दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में आज हम आपको जानकारी अध्ययन करेंगे, तो देखते रहिएगा कंटिन्यू वीडियो, बड़ी काम की वीडियो है। जैसे आपने माउस का वीडियो देखा था, सेम आपका ज्यादा लंबा नहीं होने वाला ये वीडियो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और आपको आज मैं कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कीबोर्ड होता क्या चीज है? दोस्तों, ये प्रकार एक है कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाला ये कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड एक प्रकार का दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए करते हैं। दोस्तों, हम इनपुट कैसे करते हैं कीबोर्ड से? कीबोर्ड से हम इनपुट किसी भी प्रकार के टाइपिंग से करते हैं। हमारे टाइपिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों हमारे जो कीबोर्ड होते हैं ना, वो एक प्रकार के टाइपराइटर की तरह होते हैं। आपने सरकारी ऑफिस में देखा होगा जो कीबोर्ड होता है, जो टाइपराइटर होता है जिसपे स्टेनोग्राफर टाइप करता है मैटर को, सेम उसी तरह आजकल के डिजिटल तकनीक के अंतर्गत एक कीबोर्ड आ गया है जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है। दोस्तों, तो उसका प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार के, चाहे हमारे अल्फाबेटिक हो, चाहे हमारा न्यूमेरिकल हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स हो या कॉम्बिनेशंस की हो, उनका यूज करके हम अपने कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करते हैं। मतलब टाइपिंग के माध्यम से कोई भी किसी भी प्रकार के मैटर को अगर टाइप करना हमारा, तो चाहे हमें किसी भी प्रकार का पेपर बनाना है या हमारा शादी का कार्ड बनाना होता है या हमारा बर्थडे कार्ड बनाना होता है या किसी भी प्रकार का बैनर डिजाइन करना होता है या पोस्टर डिजाइन करना होता है, हैंडमेड पंपलेट डिजाइन करना होता है, तो किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग से रिलेटेड यानी हमारे टाइपिंग से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं, लिखने से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं दोस्तों, वो एक प्रकार के कीबोर्ड से किए जाते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड देखने में होता कैसा है? जिस तरह आपके सरकारी कार्यालय में लगा हुआ जो मैकेनिकल एक प्रकार का टाइपराइटर होता है, सेम उसी तरह डिजिटल तकनीक के अंतर्गत आने वाला जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल सेम उसी तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे ASDF के जो हमारे बटन्स होती हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर, ये बिल्कुल नॉर्मली एक क्रम वाइज में नहीं होती है, अलग अलग होती है। दोस्तों, तो जो हमारा कीबोर्ड होता है वो दो प्रकार का होता है। दोस्तों, दो प्रकार के कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं देखते रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो होता है हमारा जनरल कीबोर्ड, नंबर वन है। दोस्तों, पहला होता है जनरल कीबोर्ड जिसमें 101 से लेकर के नॉर्मली 104 कीज पाई जाती हैं। 101 बटन से लेकर दोस्तों 104 बटन हमारे जनरल कीबोर्ड में पाया जाता है। जनरल कीबोर्ड भी दो तरीके का होता है दोस्तों। जैसे पहला कौन सा होता है, पहला हम मान लेते हैं कि USB होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था माउस में कि USB कितने पिन का होता है। दोस्तों, USB हमारा 4 पिन का होता है जिसमें 4 पिन लगे होते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों PS2 जो होता है वो हमारा होता है 6 पिन का। जो वो USB होता है दोस्तों, कुछ इस तरह का आकार का कीबोर्ड होता है, इसका पिन होता है, इसमें 4 पिन बने होते हैं। और जो हमारा कीबोर्ड में जो हमारा PS2 माउस होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से गोले में होता है, वहां पे एक पिन ऐसे लगी होती है, बाकी 5 पिन होती है जो ऐसे बनी होती है दोस्तों, उसको बोला जाता है PS2 पिन। तो PS2 पिन ये है और ये है USB पिन, दोनों तरीके के आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, और भी कीबोर्ड होते हैं कई तरीके के, मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड। अभी ये था जनरल कीबोर्ड। जनरल कीबोर्ड में दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया, ये दोनों जो आते हैं ये दोनों के दोनों वायर्ड कीबोर्ड होते हैं दोस्तों। वायर्ड का मतलब होता है कि एक तरीके से इसमें वायर लगा होता है यानी तार लगा होता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर के बैक पैनल में CPU के या फ्रंट पैनल में कनेक्ट करते हैं। अगर USB का है तो USB के पोर्ट में, अगर PS2 का है तो PS2 के पोर्ट में हम अपने कीबोर्ड को अटैच करते हैं और इनपुट देने का काम करते हैं। दोस्तों, मैं दूसरा चीज आपको बता रहा हूँ, दूसरा किस तरीके का होता है। दोस्तों, जो दूसरी चीजें होती है हमारी, दूसरा कीबोर्ड जिसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, दोस्तों मल्टीमीडिया कीबोर्ड में हमारे 101 से लेके नॉर्मली 108 बटन तक पाए जाते हैं, 108 कीज पाई जाती है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल कीबोर्ड में 104 बटन तक ही क्यों और मल्टीमीडिया में 108 बटन क्यों? दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी आजकल के आने वाले जो भी काम हो रहे हैं, ज्यादातर लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट को देखते हुए कंपनी ने क्या किया है कि उसमें से कुछ बटन को एडवांस दे दिया है,
जैसे काम को जिससे आसानी से और शॉर्ट तरीके से किया जाए, जैसे गाना कोई सॉन्ग चल रहा है उस सॉन्ग को प्ले करना, उस सॉन्ग को स्टॉप करना, पॉज करना या नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना, या हम किसी भी प्रकार का नेट चला रहे हैं तो माउस का यूज ना करके डायरेक्ट नेट की बटन नहीं हुई है, इनको नेट चलना स्टार्ट हो जाता है, सर्फिंग करने लगता है। तो इसलिए 101 से लेकर के 108 बटन तक होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में भी दो तरीके के बटन होते हैं, दो तरीके की कीबोर्ड होती है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया पहला तो यूएसबी होता ही है जिसको फोर पिन होते हैं उसमें, और दूसरा होता है पीएस टू होता है, पीएस टू में 6 पिन होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि मल्टीमीडिया में भी वायर भी आता है, वायरलेस भी आता है। तो जो वायर वाला होता है वो यूएसबी और पीएस टू होता है, और जो हमारा वायरलेस आता है वो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी पे कवर करता है दोस्तों। जब हमारे कंप्यूटर में अगर आपने ब्लूटूथ का कीबोर्ड लगाया हुआ है, वायरलेस कीबोर्ड लगाया है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 1 से 1.5 मीटर की रेंज में माउस होता है, उसका वायरलेस माउस उसको कवर करके हम बहुत ही आसानी से चला सकते हैं कंप्यूटर को, उसी तरह सेम हमारा कीबोर्ड होता है वायरलेस कीबोर्ड, जिसकी मदद से 1 से 1.5 मीटर पे रखे गए किसी भी प्रकार के कंप्यूटर को हम बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था इसको जान लेते हैं, पॉइंट इसको ले लेते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफेस नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था 1968 में, यानी 1968 ईस्वी में क्रिस्टोफेस नामक वैज्ञानिक ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। और इस कीबोर्ड को जो हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं नॉर्मली इनपुट देने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा कीबोर्ड का टॉपिक, आपको ये टॉपिक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिनको जरूरत है उनके तक ये वीडियो को पहुंचाएं दोस्तों, इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय हिंद जय भारत।